Your party has only 4 minutes. You have to conclude in 4 minutes. Thank you very much, Upasabhapati ji. I will thank you for 4 minutes. मुझे मौका दिया बोलने का. देखिए बहुत सी बातें हुई हैं और किसी ने हमारे एक सदस्य ने ये बात भी कही कि पूर्व प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान. उसकी महत्वता क्या है? जवान को जो हम आदर देते हैं आज, जवान को जो हम शहीद का रुतबा देते हैं आज, जवान को जो हम सैल्यूट करते हैं आज, उसी सैल्यूट उसी आदर उसी रुतबे का हकदार भारत का किसान भी है. पहले ये हम नोट कर लें कि भारत के किसान को हम किस तरह ट्रीट करते हैं. मेरे बहुत सारे साथी सदस्यों ने ये बात कृषि मंत्री के सामने रखी है. मेरी उनसे अपील सिर्फ दो बातों पर है. एक तो ये सुइसाइड वाला जो मामला है कि लाख के करीब किसानों ने अपनी जान दे दी, मैं कहूँगा वो सारे शहीद हो गए. इसलिए कि हमारा सिस्टम फेल हुआ, हमारी सरकारें फेल हुई, हम उनकी जानों को बचा नहीं सके, हम उन्हें नागरिकता का जो अधिकार है कि रोजी रोटी उनको मुहैया नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली. और मुझे तो दुख इस बात का है कि हमने यहाँ तक के पढ़ा कि डिस्ट्रेस में किसान ने मुख्यमंत्री से आत्महत्या करने की अनुमति मांगी. अब आप बताइए इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है? और ये जो आत्महत्याएं होती हैं इसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा इसलिए कि समय कम है. महाराष्ट्र में जो सुइसाइड्स हुए हैं उसमें 99% सुइसाइड जो है, अगर आप उसका स्टडी करें, उसका बैकग्राउंड निकालें, वो सारी कर्ज की वजह से हुई है. और वो कर्ज का मामला ऐसा है कि आप और हमारी जो सिस्टम है वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि किस तरह से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है. पैसे जो उन्हें दिए जाते हैं बैंक के मुताबिक उससे 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट पर साहूकार उन्हें पैसा देता है और खड़ा हो जाता है कि अगर वो पैसे वापस नहीं दिए जाए तो घर के बर्तन लेके चला जाएगा. और इस परिस्थिति में किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है. बैंकों के नाम से आप जो पॉलिसीज बनाते हैं क्या वो एक गरीब किसान तक पहुंचती है? और बैंकों में जो लोन देने का प्रोसीजर है वो इतना लंबा चौड़ा है कि ज़रूरत आज है और पैसा अगर आप 6 महीने बाद पास करेंगे या उसको मजबूर करेंगे कि वो दौड़ता रहे बैंक में, तो उसका कोई अर्थ रहता नहीं. आपको चाहिए, आप क्यों नहीं बैंक में किसानों को कर्जा देना या किसानों की मदद करना, उसके लिए एक स्पेशल चैनल बनाया जाए. आप उसको विशेष साधारण कस्टमर से हटकर किसान शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस. और किसानों की सुविधा, किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए आपको ये करना बहुत आवश्यक है. किसानों को बहुत सारी सब्सिडी दी जा सकती हैं. किसानों को डीजल में सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती? किसानों को और सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती? अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के किसान अपना ये पीढ़ियों से चलाया हुआ पेशा छोड़ दें, आज केरला में तमाम किसान ये कहते हैं, महाराष्ट्र में किसान ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को खेतीबाड़ी में नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, पेट नहीं भर सकता. तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो एग्रेरियन रेवोल्यूशन है और हम जो देश की विशाल जो हमारी परंपरा रही है कि ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है हमारा, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को मेक इन इंडिया बुलाकर इंडस्ट्रियाँ बनाने और इनकी बातें करने की प्राथमिकता कहाँ रहेगी? प्राथमिकता हमारी सबसे पहले ये है कि हम किसानों की आत्महत्याओं को रोकें और उन्हें पूछें कि उन्होंने मैं चाहूँगा कि कृषि मंत्री जी कृपा करके ये बात देखें कि अगर क्या वो महाराष्ट्र राज्य का, जहाँ से मैं आता हूँ, कि महाराष्ट्र राज्य में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं वो केसेस सारे स्टडी करें कि वो क्यों हुई है और उनको रोकने के लिए हमें क्या स्टेप्स तुरंत लेने चाहिए. जब तक के हम ये पहला काम नहीं करेंगे कि उनकी आत्महत्याओं को रोककर और उनकी आत्महत्याओं के कारण को जानकर उसकी पैरवी करना, उसको सॉल्व करने का रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक कि ये अनरेस्ट बना रहेगा, तब तक कि हम कोई एग्रेरियन प्रमोशन नहीं कर सकते. और ये एग्रेरियन क्राइसिस जिस पे सारे वर्ल्ड की नज़र लगी हुई है कि भारत जैसे विशाल देश में एग्रेरियन क्राइसिस के कारण क्या है. एग्रेरियन क्राइसिस के वैसे तो फंडामेंटली जो 2-4 कारण है कि उसमें लिबरल इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नंबर 2 कटबैक इन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, नंबर 3 डिक्लाइन इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट
in agricultural sector. Number four, restructuring of the public distribution system. And number five, special economic zones. ये broadly analyze करने के बाद ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से we are facing agrarian crisis today. The duty of the okay. The duty of the all right, sir, agriculture over, minister over. Would be to please examine all this time and over. Take a curative measure as okay. As early thank as you. Possible. Thank you very much, sir.